नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजेंद्र कुमार की एक फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं। तो 1972 के अंदर एक फिल्म आई थी गोरा और काला। इस फिल्म के अंदर स्टार कास्ट थी, राजेंद्र कुमार थे, रेखा जी थी, हेमा मालिनी थी और प्रेम चोपड़ा थे, जगदीप थे। तो इनकी ये फिल्म थी और इस फिल्म के अंदर बहुत से सीन जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सामोद पैलेस से लिए गए हैं और आज मैं सामोद पैलेस पहुंच चुका हूं। ये जो आप बड़ा सा गेट देख पा रहे हैं, ये है सामोद पैलेस का एंट्रेंस है, ठीक है। बहुत बड़ा गेट है और बहुत खूबसूरत भी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो गोरा और काला फिल्म के अंदर जो सामोद पैलेस से जो सीन शूट किए गए हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, मैंने भी बहुत से वीडियोस आपको दिखाए हैं। यहाँ पे शाहरुख खान की कोयला फिल्म की भी शूटिंग यहीं पे हुई थी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जो भी सीन फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो पहला जो सीन दिखाया गया है वो इसी गेट का सीन दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिल्म के एक सीन में ये जो आप गेट देख पा रहे हैं सामोद पैलेस का, इस गेट का सीन दिखाया गया है। देखिए कितना बड़ा गेट है और इस गेट का सीन फिल्म के अंदर तब दिखाया जाता है जब फिल्म में जो पृथ्वी सिंह होते हैं वो करण को बचाने आते हैं, यानी कि कारागार से छुड़ाने आते हैं। तो वो देखिए अपने घोड़े के ऊपर बैठ के इसी रास्ते से जाते हैं, इसी गेट के सामने से। और इसके बाद ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, इस गेट के अंदर से फिल्म में जो शमशेर सिंह होते हैं, यानी कि जो प्रेम चोपड़ा होते हैं और उनके जो सिपाही होते हैं वो आ जाते हैं और वो पृथ्वी सिंह को भी कारागृह में डाल देते हैं। तो वो सीन फिल्म का इसी जगह से दिखाया गया है, इसी गेट का सीन दिखाया गया है। और इसके बाद एक सीन के अंदर इस गेट का सीन तब आता है जब जो काले सिंह होते हैं और उनके जो आदमी होते हैं वो इस गेट को तोड़ते हैं, यानी कि करण को जब बचाने आते हैं तब भी इसी गेट का सीन दिखाया जाता है। देखिए बहुत से काले सिंह के आदमी इस गेट के सामने रहते हैं और इतना सीन दिखाया जाता है। देखिए आप स्क्रीनशॉट मैच कर सकते हैं, देखिए ये जो दोनों खिड़कियां हैं इस गेट की वो आप मैच कर सकते हैं और ये जो पानी निकलने का जो ये रास्ता बना हुआ इसे आप मैच कर सकते हैं और ये गेट उसी प्रकार से है। और देखिए ये लकड़ी के नुकीले गेट हैं जिन्हें फिल्म में जो पृथ्वी सिंह होते हैं वो तोड़ते हैं और पैलेस के अंदर एंट्री करते हैं। तो वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गेट और ये पहाड़ है चारों तरफ। और इस ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं ये सामोद पैलेस के लिए आता है। तो अभी हम अगली लोकेशन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे की ओर चल रहे हैं और आगे से भी फिल्म के अंदर कुछ सीन शूट किए गए हैं, तो यहाँ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगला जो फिल्म के अंदर सीन दिखाया गया है वो इस लोकेशन का दिखाया गया है। ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं, इस लोकेशन का सीन दिखाया गया है जब वो कारागार से भाग के निकलते हैं, तो वो इसी जगह से निकलते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट मैच करवा के दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों फिल्म में ये सीन दिखाया गया है और ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं, इस लोकेशन का सीन फिल्म के अंदर तब आता है जब फिल्म में जो पृथ्वी सिंह होते हैं, करण होता है और जो राजमाता होती है वो कारागार से भाग के निकलते हैं, तो वो यहीं से भाग के जाते हैं और इसी लोकेशन का सीन फिल्म के अंदर परफेक्ट इसी प्रकार से दिखाया गया है। नीचे से कैमरा एंगल करके दिखाया गया है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो आप स्क्रीनशॉट के अंदर भी परफेक्ट उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। देखिए ये जो आप ऊपर गुंबद देख पा रहे हैं, इस गुंबद के अंदर से एक रस्सी नीचे की ओर लटकी हुई रहती है और उस रस्सी के सहारे वो तीनों नीचे उतरते हैं, भाग के निकलते हैं यहाँ से। तो आप मैच कर सकते हैं उसी प्रकार से। देखिए ये वही लोकेशन है, सामोद पैलेस से लोकेशन ली गई है। और देखिए जब वो रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं तो देखिए इसी जगह नीचे उतरते हैं वो। और इसके बाद वो यहां से उतरने के बाद इस रास्ते में भाग के जाते हैं। ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, इस रास्ते में भाग के जाते हैं आगे की तरफ। तो इसके बाद फिल्म में
शमशेर सिंह होते हैं, यानी कि जो प्रेम चोपड़ा होते हैं, वो आ जाते हैं सामने से घोड़े के ऊपर बैठ के, और कुछ सिपाही भी आते हैं। तो वो सीन देखिए, इसी जगह से शूट किया गया था। वो उन्हें वापस से पकड़ लेते हैं और वापस से कारागार में डाल देते हैं। तो वो जो सीन है यहीं से शूट किया गया है। देखिए आप स्क्रीन शॉट के अंदर भी मैच कर सकते हैं, ये बरगद का पेड़ का जो नज़ारा है वो आप मैच कर सकते हैं, ये रास्ता आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। ये देखिए इस रास्ते से वो आते हैं प्रेम चोपड़ा, और ये है वो लोकेशन। देखिए मैं आपको एक बार कैमरे को नीचे एंगल करके दिखा देता हूँ परफेक्ट उसी प्रकार से। देखिए अभी आप मैच कर सकते हैं स्क्रीन शॉट के अंदर जैसा सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो ये है लोकेशन। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ की सामोद पैलेस की और भी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जो आप सामने जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे शाहरुख खान की कोयला फिल्म की शूटिंग हुई थी। और इधर ये एक मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत दिखता है ये पैलेस। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए गेट ही गेट बने हुए हैं। अभी वो वहां पे एक फ्रंट में गेट था, अभी फिर से ये गेट आ गया है। तो ये इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है और ये फिर से एक गेट आ चुका है। ये जो आप गेट देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे बाजीराव मस्तानी का एक गाना शूट हुआ था अलबेला, यहाँ से भी लोकेशन ली गई है कुछ। और ये बहुत ऊंचे ऊंचे गेट बने हुए हैं पैलेस के। तो अभी मैं आपको पहाड़ के ऊपर चल के पूरा पैलेस का भी सीन दिखाऊंगा। यह है सामोद पैलेस जिसका फिल्म के अंदर सीन दिखाया गया है। फिल्म के अंदर इस पैलेस का बहुत बार सीन दिखाया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट के अंदर उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। इसी पैलेस का सीन दिखाया गया है और बेहद खूबसूरत लोकेशन है। बहुत सी फिल्मों के अंदर इस लोकेशन को यूज़ किया गया है, इस पैलेस को दिखाया गया है। देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये पैलेस। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा पहाड़ के ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली चार्जेस हैं यहाँ के। और आज बेसिकली यहाँ पे कोई शादी भी है, ठीक है। लेकिन इसी पैलेस का सीन दिखाया गया है जो आप मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हो सकता है गोरा और काला फिल्म शूटिंग लोकेशन का एक पार्ट और देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस फिल्म के कुछ सीन जयपुर के आमेर फोर्ट से भी शूट किए गए हैं, तो वो भी सीन दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई फिल्म शूटिंग लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।